को ग्रोथ। बाप रे, ये तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होकर रखा है, लग किया है। और इसका भी रेड आइज ही हुआ है, चेक करने भी नहीं दे रहा। और यहाँ पे बॉक्स हम लोग खोले हैं, देखते हैं अंदर क्या दिख रहा है। हाँ नहीं दिख रहा अंदर, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, इसमें एक ले कर भी, इसमें भी 3 eggs ये लोग ले कर के बैठा हुआ है। वाह, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिख रहा है, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सैकत और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बासना बर्ड्स में मैं करता हूँ बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी एवियरी से हम लोग ये सन कुनूर का पेयर को बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे पकड़ने के लिए, और फाइनली आज पकड़ लिए हैं सक्सेसफुली, ठीक है। कुछ थोड़ा देर पहले हम लोग इसको पकड़े, बॉक्स के अंदर ही था और कंटिन्यूसली मेटिंग करता रहता था एवियरी में। तो इसी तरह मैं एक जगह से, मतलब अपना जो मेरा जो ओपन एवियरी है, इसमें सारे सन कुनूर को मैं छोड़ के रख देता हूँ। उसके बाद जैसे नेचुरली ये लोग पेयरिंग होते, उसके बाद मैं इनको ले जाके इनका ब्रीडिंग सेटअप में इनको छोड़ता हूँ। तो इसी तरह मेरा जितना अंदर सन कुनूर का पेयर है, सब मैंने इसी तरह से सेट किया है, ठीक है। उसके बाद तो मैं DNA करा लेता हूँ कन्फर्मेशन के लिए। फेदर सैंपल भी इसका मैंने कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, और इसको भेज भी देंगे DNA रिपोर्ट तब तक, लेकिन उसके बीच में हम लोग इसको बैठा देंगे। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगा, तो मेल फीमेल हो गया, तो उसमें और क्या होगा, हम लोग और ज़्यादा कन्फर्म हो जाएंगे कि ये सच में मेल फीमेल ही है। तो इसी तरह से 4-5 पेयर को ऐसे पकड़ के हम लोगों ने बैठाया हुआ है, ठीक है। और अभी तो विंटर का सीजन का पहले सबको फिर एवियरी में एक बार छोड़ दिए थे, और अभी फिर से कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले ही सबको पकड़ पकड़ के फिर से ब्रीडिंग सेटअप में बैठाना शुरू किया, जैसे इन लोग मेटिंग करते हैं। तो इसी तरह इस पेयर को भी पकड़ लिए, तो चलते इसका भी ब्रीडिंग सेटअप में जाके हम लोग रिलीज करेंगे, और जो सारा सनकुनूर का मेरा पेयर बैठा हुआ ना, उसको भी एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, कि किसी का बॉक्स के अंदर कुछ रिजल्ट आया या नहीं आया, वो भी एक बार चेक करेंगे। और अभी अंदर जाने के पहले यहाँ पे मेरा कुछ सारे छोटा कुनूर का सेटअप है, ठीक है, उन लोग को भी एक बार चेक कर लेते हैं। मतलब कुछ सारे एल्बिनो कॉकटेल है, नॉर्मल कॉकटेल है, पैचलेस है, ठीक है, और कुछ स्मॉल कुनूर है, ठीक है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है, इसमें क्या प्रोग्रेस है नहीं है। तो इसके लिए छोटा सा एक टूल चाहिए हम लोग को भी। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे एक कॉकटेल का पेयर है, ठीक है, यहाँ पे कॉकटेल का पेयर देख सकते हैं, फीमेल और मेल दोनों ही बाहर निकल गए अभी डर से, और अभी हम लोग चेक करते हैं। नहीं, इसमें अभी तक कुछ भी एग्स वगैरह नहीं ले किया है, बॉक्स में तो जा रहा कंटिन्यूसली, ठीक है, तो एग्स ले करने वाली है कुछ दिन में। बहुत ही प्यारा बर्ड होता है यह कॉकटेल, ठीक है, इतना अच्छा सिंगिंग करता है, इतना अच्छा विसेल करता है ना, बहुत ही अच्छा है। और पेयर भी खूबसूरत पेयर है, देखिए, ठीक है। तो चलिए अभी दूसरे पेयर को भी चेक करते हैं। और यहाँ पे अभी देख सकते हैं, यहाँ पे एक फुल एल्बिनो पैचलेस फुल वाइट का एक मेरा पेयर है, ठीक है, सब लोगों को दिख रहा है, और फीमेल अंदर है, मेल बाहर है, देख सकते हैं, ये है मेल, और बीट वगैरह खाया हुआ, इसलिए मुंह में लगाया हुआ लाल जैसा। और यहाँ पे अभी बॉक्स चेक करेंगे हम लोग, वाह, अभी देख सकते हैं फीमेल बाहर निकल गई, ठीक है, और यहाँ पे चिक्स, एक चिक्स आया है, चिक्स काफ़ी बड़ा हो गया है, ये चिक्स ब्यूटीफुल से प्यारा सा ये चिक्स आ गया है, और इसका भी रेड आइज ही हुआ है, दिखाते हैं आपको, निकाल के देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा हेल्दी है ये बेबी, ठीक है, और बाप रे, बहुत ही अच्छा से इसका पेरेंट्स इसको फीडिंग करा रहा, तो और इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, नन्हा सा बेबी को इसके अंदर रख देते हैं, इसके अंदर इसको भी रख देते हैं, ठीक है, और इसको बंद कर देते हैं। चलिए, काफ़ी एक अच्छा प्रोग्रेस दिख गया, और ये पेयर बहुत ही अच्छा पेयर है, बहुत बार इसने चिक्स उठाया है और हर चिक्स को बहुत अच्छा से फीडिंग कराती है। दूसरे पेयर को चेक कर लेते हैं, और इसके नीचे भी एक कॉकटेल का पेयर है, ठीक है, देखिए इसका ये मेल बाहर है, मेल थोड़ा पाइड में है, येलो और ब्लैक का, ठीक है, इसको भी हम लोग चेक करें, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। ये रहा इसका ब्रीडिंग बॉक्स, और देखिए फीमेल बाहर निकला, फीमेल पर्ल कलर में इसका फीमेल है, देख सकते हैं, वाह। तो चलिए अभी इसका बॉक्स को ओपन करते हैं हम लोग, वाह, इसमें तो दो नन्हे नन्हे चिक्स आ गए हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा छोटा छोटा दो चिक्स आ गया, और इन दोनों को भी काफ़ी अच्छा से उसका पेरेंट्स जो है फीडिंग करा रही है,
वाह बहुत ही प्यारा है। तो चलिए इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं मेरा स्पैचुलस का पेयर है, ठीक है, काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग करता है ये भी। इसका मेल देखिए बाहर है, इसका मेल बाहर है, ठीक है। और बॉक्स का भी चेक करते हैं, फीमेल बॉक्स के अंदर बैठी हुई है। वाह इसने भी एग्स ले कर चुका है, फीमेल्स जो है 3 एग्स लेकर अंदर बैठी हुई है। चलिए और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मूड में हो गया, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं इसके नीचे वाले में। इसमें एक अनकॉमन सा पेयर है हम लोग का, ठीक है। एक्चुअली अधेरी में ये पेयर बॉन्डिंग हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो पेयर है मैं पहले दिखाता हूँ, दोनों का दोनों ही बॉक्स के अंदर ही है। पहले एक बार बॉक्स में नॉक कर देता हूँ, देखिएगा निकलेगा। देख सकते हैं मेल फीमेल दोनों ही बॉक्स का अंदर ही है। और ये है फीमेल, ब्लैक कैप का फीमेल है, और ये भी एक लेकर बैठी हुई है। और मेल इधर देख सकते हैं, ये है पाइनएप्पल फीमेल का मेल है, ठीक है, पाइनएप्पल का मेल है। और ये एवियरी में बॉन्डिंग लगाया था ये ब्लैक कैप का फीमेल का साथ। और इसने भी अभी लगभग 5 एग लेकर के बैठी हुई है, ठीक है। और कुछ दिन में इससे चिक्स भी बाहर आ जाएगा। इसको भी अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे ज़्यादा, तो बंद कर देते हैं हम लोग। और यहाँ पे और एक केज बाकी रह गया, ठीक है, जिसमें मेरा एक पेयर ब्लू कॉर्नियर रहता है, ठीक है। और ये भी काफ़ी दिन से बॉक्स के अंदर है, बहुत दिन से ये भी बॉक्स के अंदर ही है, ठीक है। सुबह का सॉफ्ट फूड बहुत अच्छे से खाता है ये लोग, और काफ़ी दिन से बॉक्स से भी बाहर नहीं निकल रहा, तो इसका भी एक बार प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ चेंज देखिए, ये भी जो है एक ले करके बैठे हुए हैं, ठीक है। देखिए मेल फीमेल का पेयर बहुत ही अच्छा पेयर है ये भी। और फ्रेंड्स छोटा बर्ड्स का तो काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्रेस आ गया, मतलब हर पेयर का अच्छा खासा ब्रीडिंग प्रोग्रेस आ गया है, ठीक है। और अभी यहाँ हम लोग आ गए सन कुनूर का सेटअप में। तो इसमें अभी विंटर का टाइम, बहुत ज़्यादा पेयर तो हम लोग ने नहीं बैठा है, कुछ कुछ पेयर ही बैठा हुआ, बाकी सब पेयर मैं आपको बाहर दिखाऊंगा, सारे केज में रखा हुआ है, क्योंकि उन लोगों को अभी मैं टाइम टू टाइम धूप बाहर निकाल के धूप लगवाता हूँ, ठीक है। और बाकी सब तो अधेरे में छोड़ा हुआ, कुछ रेस्ट के लिए अधेरे में छोड़ के रखा हुआ, कि अधेरे में कुछ दिन फ्लाई करेगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा विंटर कम होगा, ठंडा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो हम लोग फिर पकड़ पकड़ के उन लोगों को सेटअप में सेपरेट करके बैठा देंगे, ठीक है। तो उसी बीच में 4-5 पेयर से हम लोग बैठा ही पाए, ज़्यादा पेयर को नहीं बैठा पाए, और लगभग ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, लगभग 1.5 से 2 महीना भी नहीं हुआ हम लोग इसको बैठाए हुआ, और सब ने बॉक्स में जाना शुरू कर दिया है, एग्रेसिव हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए एक के बाद हम लोग एक चेक करेंगे क्या रिजल्ट है नहीं है। सबसे पहला पेयर यहाँ पे है सनकोन्यूर का, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सनकोन्यूर का पेयर आप लोगों को दिख रहा है मेल फीमेल। और इस पेयर का रिजल्ट, ये पेयर भी बहुत दिन से बॉक्स में जा रहा है, देखिए मेल सामने आ गया है काफ़ी, हाँ देख सकते हैं। और ये पेयर इसके बगल में देखिए, ये तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होकर रखा है, मतलब बॉक्स के पास किसी को आने ही नहीं देता, इतना ज़्यादा एग्रेसिव, और काफ़ी बॉक्स में भी जा रहा है, ठीक है। अभी एक के बाद एक तो चेक करेंगे, पहले इस बॉक्स को चेक कर लेते हैं, और इसके अंदर अभी हाँ यहाँ पे तो 3 एग्स हम लोग को अभी दिखने को मिल गए हैं, 3 एग्स देखने को मिल गए हैं, ठीक है। तो चलिए काफ़ी अच्छा शुरुआत, अभी फिर सनकोनूर का ब्रीडिंग सेटअप भी मिला, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं। और इसके बगल वाला ये पेयर, ये तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, मतलब छूने भी नहीं देगा, देखिए केज भी टच करेंगे तो फट से आ जाता है। इसका बॉक्स का भी चेक कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या प्रोग्रेस। बाप रे ये तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होकर रखा है, लग रहा है ये भी कुछ दिन में ब्रीडिंग में आ जाएगा। अभी तक तो प्रोग्रेस कुछ नहीं दिख रहा है शायद, चलो चलो अंदर चलो अंदर। और इसको चेक करना मुश्किल हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, इसको ये तो चेक करने नहीं दे रहा, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होकर रखा। और ये पेयर को हम लोग जो अभी एवेरी से पकड़ के लेकर आए, ये जो एवेरी में मेटिंग कर रहा था काफ़ी दिनों से, इस पेयर को हम लोग ने सोचा है इस केज में रिलीज़ करेंगे। तो इसके लिए अभी सीड वगैरह भी रेडी कर दिए हैं, वीडियो का बीच में रोहित सब चीज़ रेडी कर दिया, सीड्स भी दे दिए, पानी भी दे दिया। और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, एक पेयर सनकुनूर हम लोग का बैठा हुआ है,
ठीक है, ये भी देखिए एक मेल बाहर है, फीमेल बॉक्स का अंदर है काफ़ी दिनों से, तो इसका भी एक बार प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं। ये भी पेयर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, रोहित हमको बता रहा था कि मतलब खाना पीना देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दिख रहा है ऊपर चेक करने भी नहीं दे रहा। और यहाँ पे बॉक्स हम लोग खोले हैं, देखते हैं अंदर क्या दिख रहा है, कहाँ नहीं दिख रहा अंदर, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, इसमें एग लेग कर दिया है, देखिए 3 eggs इसमें दिख रहा है अभी, बाप रे। और पेयर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, देखिए अब गेट भी बंद करना मुश्किल है थोड़ा सा। हाँ चलिए, और डिस्टर्ब नहीं करेंगे जल्दी। और मेल फीमेल का कलर मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखिए एक बार, काफ़ी अच्छा कलर, काफ़ी अच्छा रेड सेक्टर में है मेल और फीमेल दोनों ही। आप लोग को अच्छा से दिखाने का कोशिश करता हूँ, लेकिन ये पेयर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, इसीलिए अच्छा से वो दिखाने भी नहीं दे रहा अपने उसको। देखिए फीमेल काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, दोनों का कलर देखिए बहुत ही अच्छा कलर है, फुल रेड में है, काफ़ी ज़्यादा रेड है। देखिए फीमेल इतना ज़्यादा रेड है मेल का, और तो मेल तो बहुत ज़्यादा, इससे भी और ज़्यादा रेड है मेल। बंद करते हैं इसका केज को और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आ गया हम लोग का ये दूसरा पेयर, ठीक है। ये भी पेयर, इसका तो मेल फीमेल दोनों ही बॉक्स के अंदर है, केज का मैं कोई नहीं दे रहा, दोनों ही बॉक्स के अंदर है। चलिए इसका भी पेयर को एक बार प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं। और देखिए जैसे हम लोग ने केज का गेट ओपन किया, मेल जो है बॉक्स का बाहर से मेल फीमेल दोनों ही झांकना शुरू किया, और ये भी पेयर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। खोलते हैं इसका गेट के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से। अरे इसमें भी तो 3 eggs लेकर के बैठा हुआ है, इसमें भी 3 eggs ये लोग लेकर के बैठा हुआ है। वाह काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस दिख रहा है देखिए। चलिए और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग का ये लास्ट पेयर, ये अभी तक बॉक्स में नहीं गया, ठीक है, क्योंकि इसको भी कुछ दिन पहले हम लोग ने सेट किया है, मतलब बैठाया है, लगभग 2 हफ्ता पहले ही हम लोग ने इसको बैठाया है, और अभी तक अपने में बॉन्डिंग है, बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है। ये भी एवेरी से पकड़ा हुआ पेयर है, ठीक है, और दोनों का कलर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, एक बार दिखा देता है करीब से। फ्रेंड्स देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पेयर है दोनों, लेकिन ये अभी तक बॉक्स में नहीं गया, कुछ दिन में ये भी जाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो चलिए अभी और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जल्दी से वो सनकुनूर का पेयर को हम लोग रिलीज़ करते हैं उसका ब्रीडिंग सेटअप में। और इस बार का सनकुनूर का ब्रीडिंग प्रोग्रेस अभी मतलब कुछ दिन पहले हम लोगों ने बैठा है, लेकिन अभी तक सारे बर्ड्स एग ले करके बैठे हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट किसी में दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस विंटर में आने वाला है, बहुत सारा चीज़ भी निकलने वाला है, तो उन लोगों को भी हैंड फीडिंग करेंगे। और इसी आधार से फिर इसको भी बैठा रहे कि इसका भी प्रोग्रेस, इस पेयर का भी प्रोग्रेस जल्दी से जल्दी हम लोग का सामने दिख जाए, ठीक है। तो चलिए और देरी नहीं करके इस पेयर को भी हम लोग यहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं। और ये बॉक्स भी इसका देखिए लगा हुआ पहले से ही, ठीक है, ये सेटअप पहले से है, जिसमें बहुत सारा बर्ड्स था, लेकिन सबको हम लोग ने विंटर सीजन में, मैं क्या करता हूँ ये इस रूम में थोड़ा सा क्या होता है, विंटर सीजन में धूप उतना अच्छा से नहीं आता, लगभग सुबह का टाइम 2-2.5 घंटा 3 घंटा तक आता, उसके बाद धूप उतना नहीं आता, रूम थोड़ा सा हल्का ठंडा रहता है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ जितना सारे मतलब थोड़ा साइड में जो सब बर्ड्स है, जो जिस सबको धूप नहीं लगता अच्छा से, उन लोगों को मैं निकाल के बाहर रखता हूँ, मतलब छोटा छोटा केज में धूप में रखता या फिर एवियरी में छोड़ता हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा विंटर खत्म हो जाना, थोड़ा सा कम हो जाता है, उसके बाद मैं फिर से इस रूम में सेटअप कर देता हूँ, क्योंकि गर्मी का टाइम मतलब समर सीजन में ये रूम काफ़ी अच्छा ठंडा रहता है, इतना अच्छा गर्म नहीं होता, काफ़ी अच्छा ठंडा रहता है, इसीलिए समर का टाइम इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता। तो चलिए अभी पेयर को हम लोग यहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं, और इस पेयर का भी ब्रीडिंग हम लोग को बहुत ही जल्दी मिलेगा, ठीक है, तो उसी का इंतज़ार करेंगे, जल्दी से इसका भी ब्रीडिंग आ जाए। पेयर का कलर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर है दोनों का। ओके फ्रेंड्स, एक तो बाहर निकला अभी और ये निकला दूसरा, काफ़ी जल्दी ये भी एक ले करने वाली, क्योंकि एवेरी में बहुत दिन से ये भी मेटिंग जो है कर रहा था, तो इसीलिए पकड़ के हम लोग जल्दी से आज बैठा दिए। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं से समाप्त करेंगे, और वीडियो ख़त्म करने के पहले एक ही चीज़ बोलेंगे कि जितने भी सारे बर्ड्स हैं उसको अच्छा से रखिए, उनका जो डाइट है वो मेंटेन करिए, तो आपका भी बर्ड्स का काफ़ी अच्छा से ब्रीडिंग आएगा, ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको दिखेगा, और ऐसा नहीं कि कुछ कुछ बर्ड्स का, हर एक बर्ड्स का ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको ज़रूर से मिलेगा, ठीक है। और इस सीज़न में तो बहुत सारा चिक्स आने वाला है, और इसीलिए तो मतलब क्या कहें, जब हैंड फीडिंग में उठाएंगे तब काफ़ी सारा चिक्स हैंड फीडिंग में रहेगा, छोटा कुनूर, सन कुनूर, पाइनएप्पल, ठीक है, और कॉकटेल्स का भी चिक्स है, काफ़ी सारा चिक्स मतलब आने वाला है इस सीज़न में,
तो चलिए उनके लिए भी रेडी रहना है कि सबको हैंड फीडिंग कराना होगा इतना सारा चिक्स को। और आशीर्वाद करिएगा इसी तरह बासुना बर्ड सेवरी को, सपोर्ट भी करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब में शेयर भी कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे एक लाइक भी कर दीजिएगा। और तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।